हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। ठीक है, पीएनबी के 300 शेयर 124 का भाव, 8.04 रुपए का शुद्ध लॉस हर शेयर पर। सरवेन जी क्या करें? देखिए, जब यहाँ तक अभी ट्रेंड बने हैं तो यहाँ एक करेक्शन चल रहा है, क्योंकि ये पिछले साल के स्टार्ट में, इस साल के स्टार्ट में काफी एक डार्लिंग स्पेस रही थी पीएसयू बैंकिंग, और बहुत बढ़िया चला था, तो उसी मूव को आई थिंक पचा रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो बाजार के साथ अब ये सेक्टर चल नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे आपके मई में टॉप लग गए और मई का जो टॉप था तकरीबन 140 के आसपास था, आप आज 115 पे चल रहे हैं, तो ये अपने आप में दर्शा रहा है कि मार्केट के साथ लास्ट ढाई महीने से, दो ढाई महीने से सेक्टर नहीं चल पा रहा है, तो ये शॉर्ट टर्म वीकनेस का संकेत है और ये करेक्शन चल रहा है। तो मेरे हिसाब से करेक्शन 15 से 20 दिन, महीना और एक चल सकता है, जिसमें आपको वर्स्ट केस कहीं 105 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 100 के बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, ऐसा मेरा अभी फिलहाल मानना है। तो दायरा इनको यहाँ लंबा रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा समीकरण होने में 1 से 2 महीने लग जाएंगे, बेस बनने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, फिर ये चलेगा तो इनका भाव आने में 1.5 महीने लग जाएंगे, और उसके बाद इनके पैसे भी बनेंगे। तो 6 से 9 महीने का मिनिमम होराइजन लेके चले, आइडियली तो 12 महीने प्लस का होराइजन लेके चले, आई थिंक डेफिनेटली इनका भाव आएगा और पैसे बनेंगे। बट जैसे मैंने बोला, थोड़ा पेन 100 105 वाला इनको थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा।